बनाए तो आप मेरे मेथड को भी माइंड में सोच सकते हैं। एंट्री सो ही आने वाली है तो एग्जामिनर को थोड़ी पता कि आपने क्या सोच के एंट्रीज बनाई है। लेकिन बेटे मेरा धर्म है ना, मैं सारे मेथड्स बताऊंगा, फिर आप फॉलो करना चाहो जो कर ले। आइए आइए बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में हम दोबारा से एक तारीख से लेकर बेटे एक तारीख से जनवरी 1 से 31 जनवरी तक जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है हम उनका लेखा जोखा करेंगे। हम उसको अपनी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में, हम उसको अपनी प्राइमरी जनरल बुक में एंटर करेंगे। तो बेटे उसको करने के लिए एक फॉर्मेट बताया था, तो बेटे जल्दी से वो फॉर्मेट मैंने तो प्रिपेयर कर लिया। बेटे ऊपर लिखा जनरल एंट्रीज, पहला कॉलम बनाया डेट का, दूसरा बनाया पर्टिकुलर्स का जिसमें हम रीजन लिखेंगे, जिसमें हम कारण लिखेंगे, तीसरा तो चिन्ना सा बनाया लेजर फोलियो, फोर्थ कॉलम बनाया बेटे डेबिट का। बेटे हम डबल एंट्री इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो जिस चीज को हम डेबिट करेंगे उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और जिस चीज को क्रेडिट करेंगे उसको क्रेडिट में लिखेंगे, मतलब जो आइटम को जो एलिमेंट को। और आपको पता है हम डबल एंट्री में जितने अमाउंट से डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी करेंगे और बेटे लास्ट में उस कारण को लिख देंगे आराम से। बेटे मैंने दो पेज अपने बनाए जिसमें लाइंस वाइंस ड्रॉ कर दी। तो बेटे मैं इसके बाद आ रहा हूं पहले जनवरी 1st में आराम से बेटे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे मुझे पता है ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक बच्चा हंस रहा है, मास्टर ये क्वेश्चन तो पिछले क्लास में करा चुका लेक्चर 4 में। बेटे मुझे पता है, मुझे आपका भला देखना है बेटे, जल्दबाजी में कोई चीज मुझे खत्म नहीं करनी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं वो मैंने अपने अप्रोच से कराया था, आज मैं अमेरिका के अप्रोच से करा रहा हूं और ये प्रूफ कर दूंगा कि एंट्रीज वही आएंगी, फिर आप पेपर में जो मर्जी अप्रोच फॉलो करें वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहली एंट्री, पहला प्यार पहली बात, जनवरी 1st, रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। रामलाल ने अपना बिजनेस शुरू किया 50,000 रुपए लगाकर। हमें पता है कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का अप्रोच लगाते हैं तो जो पहली एंट्री होती है या जो पहली ट्रांजैक्शन होती है और जो भी ओनर लेकर आता है उन सभी एसेट्स को हम जमा कर देते हैं और उतनी ही कैपिटल बन जाती है रामलाल की। इधर एसेट्स बन जाते हैं, इधर कैपिटल बढ़ जाती है। जैसे यहां पर एक ही एसेट लेकर आया रामलाल और वो है कैश। तो बेटे कैश का बैलेंस, बेटे कैश एसेट है, कैश थिंग है, तो बेटे कैश का बैलेंस एसेट साइड में बढ़ेगा। और इधर 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 बेटे रामलाल ओनर है, हम रामलाल का नाम नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह कैपिटल का वर्ड यूज करेंगे, तो कैपिटल भी बढ़ेगी। बेटे इधर से कैश बढ़ रहा है, इधर से कैपिटल बढ़ रही है। मैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करूंगा वो बता रहा हूं बेटे। आप सबको कसम होगी अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन ना लिखी, मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे, आगे वाले क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आपसे करने। अगर आज थोड़ा सा कष्ट सह लिया बेटे, आज थोड़ा सा कष्ट सहना है और जनवरी 1st की एंट्री लिखनी है, रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 लिखा हुआ है, आपने लिखा है। नाउ एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन, हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में बेटे कैपिटल, बेटे कैपिटल, बेटे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो हमें ये देखना है कि इन तीन एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट में क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है। बेटे पहला इंपैक्ट जब कैश आएगा तो कैश एसेट है, कैश बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो बेटे मैं उस केस में कैश को बढ़ाऊंगा। दूसरा इंपैक्ट, बेटे रामलाल कैपिटल ला रहा है तो मैं कैपिटल को बढ़ाऊंगा। देखिए बेटे मैंने पहले लिख ली। Now as per accounting equation method, one impact will be in cash. बेटे cash में impact होगा, cash बढ़ेगा। As per business entity concept, रामलाल एक है और business अलग है। As per business entity assumption, दोनों are separate parties. So cash in the business will increase. Second impact will be capital. रामलाल owner कैपिटल भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अब देखो मैंने उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको समझाने के लिए लिखा है,
कि भाई हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, तो मैं जितनी भी एंट्रीज करूंगा आज इस फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि दोबारा कर रहा हूं बेटे, मैं वहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा और उस अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से आपको सब बताऊंगा आराम से। पहले ये चित्र बना लीजिए, जो मैंने चित्र बनाया, एसेट्स के नीचे लिखा मैंने डेबिट बैलेंस और उसके नीचे दो ब्रांचेस बनाई। इंक्रीज का मतलब है जब एसेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो हम डेबिट करेंगे। एसेट्स जब कम होंगे, एसेट्स जब कम होंगे क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम एसेट्स एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि बेटे अकाउंट्स में तो हम डेबिट और क्रेडिट की भाषा यूज करने वाले हैं ना। इसी तरह से लायबिलिटीज और कैपिटल का नेचर क्रेडिट नेचर होता है, तो जब लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, और जब लायबिलिटीज और कैपिटल कम होगी तो हम डेबिट करेंगे। इतना कुछ समझने की टेंशन नहीं, खाली नेचर पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। तो आपने बना लिया, तो आगे चल रहे बेटे। बेटे कैपिटल 50,000 रुपए से बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि रामलाल कैपिटल लेकर आ रहा है और इधर से कैश भी बढ़ रहा है। बेटे नोट करते जाओ साथ साथ, इधर से कैश भी बढ़ रहा है तो कैश एसेट है, इधर से कैपिटल बढ़ रही है। और बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इधर से 50,000 की कैपिटल बढ़ी, इधर से कैश बढ़ा, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो बेटे जब कैश बढ़ा, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस का नेचर होता है, तो मैं एसेट को डेबिट करूंगा, कैश विल बी डेबिटेड। इधर से लायबिलिटी कैपिटल भी बढ़ी और कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, तो बेटे कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस की नेचर होती है। देखो जी मैंने क्या लिखा है, एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन कैश विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। तो देखिए जी मैंने इसको अब क्या करना है, अपनी जनरल एंट्रीज में लिख देगा, मैंने वही जनरल एंट्रीज पास करनी है, वही आएंगे, आप चेक करना जो हमने लास्ट क्लास में की थी, लास्ट लेक्चर में की थी, लेकिन आपको दोबारा बनानी है। आइए जी जनवरी, आइए जी जनवरी फर्स्ट, पहली तारीख फर्स्ट डेट लिख रहे हैं जी, कैश अकाउंट डेबिट हटके, बेटे क्रेडिट को लिखने से पहले हटके जगह बना के और टू लिखना है, तो टू कैपिटल बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है जी। इसका मतलब कैश को हमने डेबिट किया, कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, हम कर रहे हैं एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। और बेटे 50,000 रुपए से डेबिट हुआ कैश और 50,000 रुपए से ही कैश क्रेडिट हुआ। और बेटे नीचे कारण लिख देंगे, रीजन लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे, ये वही वाली आएगी, आप दोबारा लिखेंगे। बीम लिखो जी, बीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पर्दा है पर्दे के पीछे राज छुपा है। तो पर्दा बनाइए बेटे, ब्रैकेट को मैंने बोला पर्दा, और द एंड कीजिए, पर्टिकुलर्स के नीचे एक लाइन डाल दीजिए, बेटे इसको बोलते हैं द एंड। बेटे फॉर्मेट है, ये तरीका है किसी भी चीज को करने का। जैसे आपको पता नवरात्रे आते हैं तो सब दांडिया खेलने जाते हैं गुजरात में, तो बेटे दांडिया खेलने के लिए कोई जींस में थोड़ी जा सकता है, दांडिया खेलने की अलग से एक ड्रेस है, उसके उसमें अलग से दो डंडियां रखनी पड़ेगी, अलग से टोपी होगी, अलग से ड्रेस होगी, बॉयज की अलग होगी, गर्ल्स की अलग होगी। तो बेटे एक फॉर्मेट है ना किसी भी चीज को करने के लिए, तो जनरल को करने के लिए हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। आप आराम से लिख दीजिए, जनवरी फर्स्ट की एंट्री में कर चुका हूं एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पहले मैं सारी एंट्रीज कर दूंगा और फिर खुलासा करूंगा कि जो लेक्चर नंबर 4 में आपने एंट्रीज की थी हम उसको टैली करेंगे, क्या हमारी लेक्चर 4 की और लेक्चर 5 की एंट्री सेम आ रही है, क्योंकि लेक्चर 4 में मैंने अपनी अप्रोच बताई थी और लेक्चर 5 में मैं ट्रंप की अप्रोच बता रहा हूँ, अमेरिकन अप्रोच बता रहा हूँ। तो बेटे लॉजिक हमारा सही निकलेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। आइए जी सेकेंड ट्रांजेक्शन,
January 4th, purchase goods for cash ₹7,000. बेटे business ने goods को खरीदा. बेटे मैंने एक बात आपको last class में बताई थी कि जब भी goods आएगा, हम अब goods जब हम खरीदेंगे या goods हम बेचेंगे, तो बेटे हम goods का नाम goods नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह उसका event लिखेंगे, उसका कारण लिखेंगे. गुड्स अगर खरीदी गई, परचेज ऑफ गुड्स हुई, तो मैं बेटे परचेजेस को डेबिट करूंगा, ना कि गुड्स को डेबिट करूंगा. या सेल हुई गुड्स की, गुड्स कम हुई, गुड्स एसेट है, गुड्स का एसेट का डेबिट नेचर होता है. अगर गुड्स कम हुई और मुझे गुड्स को क्रेडिट करना पड़ा, तो मैं गुड्स को क्रेडिट नहीं करूंगा, सेल्स को क्रेडिट करूंगा. बेटे बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं भूपेश आनंद ये ऐलान करता हूं कि जब भी गुड्स खरीदी जाएं, तो आप इवेंट का नाम लिखो, आप परचेजेस लिखो, गुड्स मत लिखो. इसके पीछे कारण बताऊंगा, लॉजिक है, अभी समझा रहा हूं. और जब भी गुड्स बिके, आप इवेंट का नाम लिखो, आप सेल्स लिखो, आप उसके अगेंस्ट गुड्स मत लिखो. बेटे इसके पीछे रीजंस हैं, अभी देखते हैं एक सेकंड में. पहले आप एंट्री पढ़ी दोबारा से जनवरी 4 की. परचेज गुड्स फॉर कैश ₹7,000. बेटे कैश दिए और 7,000 की गुड्स खरीद ली. कैश दिए और 7,000 की खरीद ली. किससे खरीदी? हमें क्या मतलब है किससे खरीदी भैया? हमने कैश दिए, चाहे वो चोर हो, डाकू, हमें क्या लेना है? हमने उसको पैसे दिए और गुड्स ले ली. हाँ, अगर हम उधार में खरीदते या हम उधार में बेचते, मतलब क्रेडिट में परचेज करते या क्रेडिट में सेल करते, तो आपने देखा होगा उस केस में हमें प्रॉमिस लेना पड़ता है या प्रॉमिस देना पड़ता है. बेटे जब भी हम प्रॉमिस लेते हैं या जब भी प्रॉमिस देते हैं, तो बेटे जिसको प्रॉमिस देते हैं या जिससे प्रॉमिस लेते हैं, उसका नाम पता होना चाहिए ना. तो जब भी हम गुड्स को क्रेडिट में बेचेंगे या क्रेडिट में खरीदेंगे, आप नोट करना, आपको वहां पे उसका नाम बताया जाएगा. जैसे पिछली क्लास में हमने किया था, नाम एक लाला जी थे, एक मोहन लाल था. अभी आ रहा है बेटे, आप टेंशन मत ले. क्या लगता है, जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन सबने पढ़ ली? अच्छा, पढ़ ली है, तो चलते हैं. मैं भूपेश आनंद पहले आपको जनवरी 4 की एंट्री के बारे में बताने वाला हूं. बेटे बिल्कुल बताऊंगा. बेटे पहले आप ट्रांजैक्शन लिख लीजिए, परचेज गुड्स. ये लो जी, परचेज गुड्स फॉर कैश 7,000. बेटे ये प्यारा भूपेश आनंद का कि वो ट्रांजैक्शन भी पूरी लिख दी कि आपको दिक्कत ना आए लिखने में, आपके रजिस्टर में दिक्कत ना हो. जनवरी 4 तारीख है बेटे, जनवरी 4, और हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. In accounting equation, when there is purchase of goods, अगर goods को हम खरीद रहे हैं, goods एक thing है, goods एक वस्तु है, goods जब आएंगी तो goods का balance बढ़ेगा, assets बढ़ेंगे. और accounting equation क्या कहती है कि left hand side और right hand side बराबर होनी चाहिए. तो इधर से गुड्स का बैलेंस तो बढ़ गया, गुड्स का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन यहां से क्या चीज में इफेक्ट आएगा? बेटे हमने कैश में परचेज किया है, तो बेटे उधार लिया नहीं, ना कैपिटल इंट्रोड्यूस की रामलाल ने, तो कैपिटल में भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लायबिलिटीज में भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन हमने कैश दिया. कैश एसेट है. इसका मतलब एसेट, एक एसेट तो गया सर. क्या गया? कैश गया. क्या आया? गुड्स आई. तो बेटे यहां पर हम गुड्स क्योंकि आ रही हैं, गुड्स बेटे एसेट है, बेटे एसेट का डेबिट बैलेंस का नेचर होता है, इसलिए हम गुड्स को डेबिट करेंगे. और बेटे कैश भी एसेट है, कैश का भी डेबिट नेचर बैलेंस का होता है, लेकिन कैश कम हो रहा है, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे. आइए बेटे जनवरी 4 की एक बार एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए. मुझे मालूम है कि आपको समझ आ गया है.
फिर भी लिखिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन व्हेन देयर इज अ परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स थिंग्स एसेट्स विल इंक्रीज। ठीक है जी, ठीक है, आगे देखिए, गुड्स विल नॉट बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें पता है कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलती, डबल इफेक्ट होता है। अगर कैश भी लिया है तो आपको एक हाथ में गुड्स ली, दूसरे हाथ में पैसे दिए। जैसे आप बाजार में लेने जाते हैं, संतरे लेने जाते हैं, सेब लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, सब्जियां ली पैसे दिए, सब्जियां ली पैसे दिए। आप सब्जी वाले को थोड़ी कहते उधार दे दे दो तीन दिन के बाद दूंगा, नहीं बेटे, सब्जियां ली पैसे दिए। तो गुड्स विल नॉट बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो हमें कैश में लेनी पड़ेगी और या वायदा करना पड़ेगा, प्रॉमिस देना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शन में ये क्लियरली गिवन है कि हमने रोकड़ा दिया, रोकड़ा दिया, कैश दिया, कैश दिया। तो बेटे बी पॉइंट में यही बात लिखी है। अब आ जाओ जी सी पॉइंट, अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि हम अमेरिकन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, और मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से ही बताऊंगा कि आपको डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। बस आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एसेट का नेचर क्या होता है और कैपिटल और लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है। एक बच्चे ने कहा सर मैं बताऊं, मैंने कहा बेटे बिल्कुल बताओ। वो कहता सर एसेट्स का नेचर डेबिट बैलेंस का नेचर होता है और कैपिटल और लाइबिलिटीज का नेचर बेटे क्रेडिट इन नेचर का होता है। तो आइए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं 7,000 रुपए से और कैश कम हो रहा है 7,000 रुपए से। आराम से बेटे, गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं 7,000 से, गुड्स एसेट है, कैश भी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस इन नेचर होता है। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब भी गुड्स आएंगी अगर वो परचेज कर रहे हैं तो हम परचेजेस का नाम लिखेंगे, जब गुड्स जाएंगी तो हम सेल्स का नाम लिखेंगे। तो बेटे इंस्टेड ऑफ गुड्स वी विल यूज द नेम ऑफ द इवेंट, और इवेंट दो थे हाथ से, एक परचेजेस और एक सेल्स। तो इवेंट का नाम लिखना है, ये तो मैंने वीडियो नंबर 4 में बताया था आपको। नाउ इवेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये देखिए प्यार है भूपेश आनंद का, मैंने लिख भी दिया कि इवेंट दो होते हैं बेटे, दो होते हैं बेटे, दो। गुड्स कैन बी परचेस्ड और गुड्स कैन बी सोल्ड। तो एक इवेंट क्या हुआ परचेजेस और एक इवेंट क्या हुआ सेल्स। इसका मतलब आज के बाद आप कभी भी जब भी गुड्स को खरीदोगे, बेटे वैसे मैं आपको बताऊं, गुड्स दो प्रकार की हो सकती है। जो आप थिंग्स खरीदते हो ना, दो तरह की होती है। एक ऐसी थिंग्स जो आपने खरीदी बेचने के लिए, आगे बेचेंगे उससे प्रॉफिट कमाएंगे, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करेंगे फिर बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी का नाम, बेटे मारुति सुजुकी ने बैटरियां एक्साइड बैटरी वालों से एक्साइड बैटरी खरीदी। तो बेटे आप ये बताओ मारुति सुजुकी उस गुड को आगे बेचना चाहती है या अपने पास ही रखना चाहती है। बेटे उसको क्या लेना है एक्साइड बैटरी का, क्योंकि हर कार में बैटरी लगती है तो उसको तो वो बेचनी है। इसका मतलब वो बैटरी अपनी कार में लगाएगी, अपनी कार मैन्युफैक्चर करेगी और आगे बेच देगी। मतलब मारुति सुजुकी या तो वो एक्साइड की बैटरी डायरेक्टली एक्साइड वालों से खरीद के आगे भी बेच सकती है या अपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकती है। अब बेटे ऐसे गुड्स जो आप अपने पास रखने के लिए नहीं ले रहे, आपको आगे बेचनी है या आपको मैन्युफैक्चर करनी है, तो मैं कहता हूं कि गुड्स दो प्रकार की हो सकती है। एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा है, बेटे बिल्कुल कमर सीधी करके बैठा है। वो कहता है गुड्स दो प्रकार की हो सकती है, ये टीचर ये मास्टर कुछ अलग ही चर्चा कर रहा है। हाँ बेटे मैं कुछ अलग बात बताना चाहता हूँ, मुझे रोकना मत बेटे। बेटे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एज ए बिजनेस में जब धंधा करते हो तो आप दो प्रकार की थिंग्स, दो प्रकार की गुड्स खरीद सकते हो। एक ऐसी गुड्स बेटे जो आप आगे बेचने के लिए या उसको मैन्युफैक्चरिंग में किसी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करके बेचने के लिए यूज करते हो, उसको बोलते हैं गुड्स फॉर सेल पर्पस। और बेटे एक ऐसे गुड्स होती है, ऐसे थिंग्स होते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप आगे बेचने के लिए नहीं खरीदते, आप उनको अपने पास रखोगे।
देख बच्चा कहता सर इसमें इसका इसका फायदा क्या होगा बेटे बता रहा हूँ ठंड तो रख लो एक मिनट शांत तो हो जाओ बीच में बोलते जा रहे हो ये क्या होगा वो क्या होगा मैं आपसे ये कह रहा हूं गुड्स दो तरह की होती है पहले बताओ ये बात सबको समझ आ गई गुड्स दो प्रकार की होती है पहले डबल स्टार लिखो ऑल द थिंग्स सर्विसेज की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं जो भी थिंग्स आप खरीदते हो जो भी वस्तुएं खरीदते हो विच वी बाय कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज हम उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं एक जो गुड्स इन नेचर की होती है और दूसरी जो नॉन गुड्स इन नेचर की होती है एक बच्चे को समझ आ गया वो कहता है सर जैसे हम किसी फर्नीचर को खरीदते हैं हम हमारी दुकान किराने की है हमारी दुकान बनिए की है हमारी दुकान जनरल स्टोर की है अच्छा अच्छा बेटे आगे बताओ वो कहता सर मान लो कि हमारी दुकान एक बनिए की है हम आटा दाल बेसन चावल बीड़ी सिगरेट माचिस ये सब बेचते हैं तो हमारे लिए गुड्स क्या होंगी आटा दाल चावल माचिस गुटखा बीड़ी ये सब होंगी बेटे क्यों आप ये क्यों खरीद रहे हो क्योंकि आपको आगे बेचनी है लेकिन बेटे उस दुकान में फर्नीचर भी चाहिए होगा कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए बेटे कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा आप ये बताओ वो किराने वाला वो जनरल स्टोर वाला वो बनिए की दुकान वाला क्या वो रेफ्रिजरेटर जो खरीदेगा क्या आगे बेचने के लिए खरीदेगा या कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए खरीदेगा बेटे बच्चा कह भी रहा है कि सर वो उस रेफ्रिजरेटर को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा वो उन कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए खरीद रहा है तो बेटे गुड्स दो प्रकार की हुई एक ऐसे गुड्स जिसको हम आगे बेचने के लिए खरीदते हैं या मैन्युफैक्चर करके उस प्रोडक्ट में यूज करके आगे बेच देते हैं और एक ऐसे गुड्स जो हम अपने पास रखते हैं बेचने के लिए नहीं चलिए अभी आ रहे हैं डबल स्टार में लिखिए ऑल द थिंग्स विच वी बाय कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज गुड्स इन नेचर एंड नॉन गुड्स इन नेचर ठीक है जी अब मैंने एग्जांपल जो दिया वही बता रहा हूं गुड्स आर दोज थिंग्स विच वी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल गुड्स वो होती है आज से हमने गुड्स का नाम अलग मान लिया अलग डेफिनेशन समझनी है गुड्स वो होती हैं जिनको हम या तो डायरेक्टली बेचने के लिए खरीदते हैं या अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदते हैं तो लिखिए जी गुड्स आर दोज थिंग्स विच वी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल गुड्स आर दोज थिंग्स गुड्स आर दोज थिंग्स विच वी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल और फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैंने मारुति का एग्जाम्पल दिया इसका मतलब या तो हम डायरेक्टली उनको बेचने के लिए खरीदते हैं या अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करके उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए खरीदते हैं मैंने एग्जाम्पल जो दिया बेटे उसके नीचे बना दिया एक लाला जी है लाला जी ने जनरल स्टोर खोला और लाला जी बीड़ी सिगरेट पान सब कुछ रख रहे हैं आटा दाल चावल लेकिन लाला जी ने फर्नीचर भी खरीदा लाला जी ने फ्रिज खरीदा तो बेटे लाला जी ने जो फर्नीचर परचेज किया लाला जी ने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा ठंडी बोतलें करने के लिए हमारे यहाँ ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिलती है उसको ठंडा करने के लिए बेचनी कोल्ड ड्रिंक थी रेफ्रिजरेटर नहीं बेचना था तो बेटे गुड्स का मतलब होता है जिसको हम बेचने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदते हैं इसका मतलब ऐसे गुड्स ऐसी वस्तुएं जिनको ना तो हम बेचने के लिए ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदते हैं उसको हम उसके नाम से ही पुकारेंगे जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के नाम से पुकारेंगे रेफ्रिजरेटर खरीदा रेफ्रिजरेटर के नाम से पुकारेंगे कंप्यूटर खरीदा लाला जी ने अपनी पूरा हिसाब किताब के लिए कंप्यूटर के नाम से पुकारेंगे मेरी बात आप समझ रहे हैं देखिए बेटे इस केस स्टडी में एक बार ये जरा सा चित्र बना दीजिए क्योंकि ये चित्र आपको आने वाले 2-3 महीनों के बाद मदद करेगा कि मैंने बोला क्या था भूपेश आनंद ने क्या एग्जांपल देके क्या बातें समझाने की कोशिश की
बेटे मैंने लिखा लाला जी, मैंने लिखा जनरल स्टोर, मैंने लिखी माचिस, मैंने लिखा गुटका, मैंने लिखी बीड़ी, मैंने लिखा आटा, मैंने लिखी दाल, मैंने लिखी चीनी, मैंने लिखा हरे रंग से फर्नीचर, मैंने लिखा हरे रंग से रेफ्रिजरेटर, मैंने लिखा हरे रंग से कोल्ड ड्रिंक। बेटे कोल्ड ड्रिंक गुड्स है, रेफ्रिजरेटर गुड्स नहीं है। तो जो गुड्स इन नेचर की नहीं होंगी हम उसको उसके नाम से पुकारेंगे। बेटे ये ज्ञान भले इस एंट्री में इस्तेमाल नहीं हो रहा, आने वाली एंट्रीज में, आने वाले क्वेश्चंस में बड़ी मदद करेगा। मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं, हर चीज जो बता रहा हूं इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, कारण है, कुछ भी रट नहीं दे। चलिए जी आइए 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 आइए, मेहरबान मेहरबान कदरदान आइए। नेक्स्ट स्टार गुड्स वाले में वो लिख दीजिए, इन केस इंस्टेड ऑफ परचेजेस और सेल्स, ये बात मैं बता ही चुका हूं, वी ओनली राइट गुड्स। बेटे एंट्री करनी होती तो मैं खत्म ही कर चुका होता, और बेटे मेरे को आपने थोड़ी कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन के मेथड से कराओ। ये तो मेरा प्यार है, जब मैं इतना सीरियस हूं आपके लिए तो आप अपने लिए सीरियस क्यों नहीं हो, क्यों ढीले बैठ रहे हो, कमर सीधी। और बेटे सब नोट करना रजिस्टर में, मैं टाइम दे रहा हूं। चलिए जी फोर स्टार लिखिए, बेटे तीन स्टार लिख चुके हो, फोर स्टार। इन केस इंस्टेड ऑफ परचेजेस और सेल्स वी ओनली राइट गुड्स, तो प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने आपको एक बात बताई कि हम गुड्स जब खरीदते हैं तो गुड्स को खरीदने का कारण का नाम लिखेंगे, या तो परचेजेस लिखेंगे या सेल्स लिखेंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ लॉजिकली आपके दिमाग में, अगर आप ऐसा नहीं करते, परचेजेस और सेल्स का नाम नहीं लिखते, खाली गुड्स का ही नाम लिखते हैं, तो बेटे ये गुड्स हैं, ये बताओ ये गुड्स हैं। अब गुड्स आ भी रही है, गुड्स जा भी रही है, बेटे जा रही है सेल्स प्राइस में, आ रही है कॉस्ट प्राइस में। बेटे गुड्स का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा अगर आप गुड्स को गुड्स में ही रहने दोगे। अगर आज आप परचेजेस और सेल्स को अलग अलग नहीं करोगे तो बेटे एक तो हर एंट्री में, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे, जब भी गुड्स बेचते थे तो हम उसका पहले प्रॉफिट निकालते थे और उस प्रॉफिट को कैपिटल में लेके जाते थे। बोलो हाँ या ना। बेटे हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एक तो ये परेशानी, दूसरी परेशानी क्या होगी, गुड्स का बैलेंस नेगेटिव आ जाएगा जो कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जरूरी हो जाएगा कि हमें गुड्स को दो चीजों में बाइफरकेट करना पड़ेगा, परचेजेस को अलग लिखना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी हम परचेज करेंगे पूरे 12 महीने में हम परचेजेस में लिखते जाएंगे, और जब भी हम सेल करेंगे हम सेल्स में लिखते जाएंगे। अब हम हर बार 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 प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, साल के आखिरी में हम सारी सेल्स को ऐड कर देंगे, सारी कॉस्ट परचेजेस को ऐड कर देंगे, सेल्स में से कॉस्ट प्राइस उन सबकी लेस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो बेटे ये आसान है या नहीं। बेटे इसीलिए गुड्स को हम परचेजेस और सेल्स में लिखेंगे। गुड्स दो प्रकार की होती हैं, एक गुड्स इन द नेचर ऑफ गुड्स एंड एक गुड्स विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स। इट मींस गुड्स विच आर इन द नेचर ऑफ गुड्स, इट मींस ईदर आई वांट टू सेल देम डायरेक्टली और आई वांट टू यूज इन माय मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन दैट प्रोडक्ट एंड देन आई वांट टू सेल इट। एंड दोज गुड्स, दोज थिंग्स विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स are to be named by their names only. For example, furniture, for example, machinery, and these are not actual goods because I have not purchased them for selling purpose. So, dekhenge beta, dekhenge. There can be a negative balance. Agar aap goods ko goods mein hi rehne do, to beta logic. Aapne nahi kaha ki logic batao. Pyar hai beta. Ki goods ko agar aap goods mein hi rehne de, aap apne teacher se poochiyega. कि सर इसका लॉजिक क्या है कि हम परचेजेस और सेल्स को अलग अलग लिखते हैं, तो बेटे नेगेटिव बैलेंस आने का कारण हो सकता है। और प्रॉफिट इज मस्ट, हर बार आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो बेटे कंक्लूजन क्या हुई एंट्री नंबर टू की, हम परचेजेस को यूज करेंगे जब हम खरीदेंगे गुड्स, और हम सेल्स को यूज करेंगे जब हम बेचेंगे गुड्स। और ऐसे थिंग्स जो हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे या मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं खरीद रहे उनको उसी नाम से पुकारेंगे। इन केस ऑफ गुड्स और थिंग्स परचेज नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, वी विल यूज नेम ऑफ दैट गुड्स। हम उन्हीं गुड्स का नाम लिखेंगे, जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, जैसे लैंड,
जैसे मशीनरी, जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे कंप्यूटर, हमने उनको जनरल स्टोर वाला थोड़ी उनको बेचेगा, तो बेटे हम उनका नाम लिखेंगे। आइए जी, मैं इतना समझाने के बाद पहले इसकी एंट्री लिख दूं बेटे, फिर हम आगे चलेंगे। आप अपने जनरल एंट्री वाला पेज निकाल लें, निकाल लें बेटे। बेटे जनवरी चार आ गए बेटे, जनवरी चार आ गए मेरे बेटे। तो मैं लिख रहा हूं परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब मुझसे मत पूछना कि परचेजेस को लिख रहे, मैं सब बता चुका हूं। हटके टू कैश बेटे, 7,000 का सामान खरीदा और हमने 7,000 रुपए दे भी दिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं बीन गुड्स परचेस्ड, बीन गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। हमने गुड्स को खरीदा कैश में। आराम से बेटे, हमने चैप्टर क्लोज किया, चैप्टर क्लोज मतलब एंट्री क्लोज की जनवरी 4 की। मैं रुक गया जी, जल्दी में तो हो ही नहीं यार, मैं आराम से चलता हूँ। मेरे को आपने देखा होगा मेरे नेचर, मैं बिल्कुल आराम से लॉजिक्स, कंसेप्ट्स, आगे पीछे की बातें, गूगल, गाने, चुटकले, हंसकर, खड़े होकर, बॉडी लैंग्वेज के साथ ही कराता हूँ बेटे। आप उसकी टेंशन छोड़ दें, हम आ रहे हैं जनवरी 5 की तरफ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब बेटे हमने यहाँ गुड्स बेची है, गुड्स सेल की है। अगर हमने सेल की है तो सेल्स में लिखेंगे और खरीदी है तो परचेजेस अकाउंट में लिखेंगे, ये बात मैं बता चुका हूं। आइए जी, मैं तीसरी ट्रांजैक्शन को देखता हूं, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने क्या लिखी। आइए बेटे, आइए 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 बेटे, बेटे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बेटे आपके लिए मेहनत की है, पहले एक्सप्लेनेशन बनाई, पहले स्लाइड्स बनाई, अलग अलग रंग प्रयोग किए, आपको समझ आए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब बेटे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, हमें पता ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन का मेथड फॉलो कर रहे हैं। हमने गुड्स बेची, गुड्स चली गई, गुड्स एसेट था, एसेट कम हो गए, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए मैं गुड्स को क्रेडिट करूंगा। लेकिन मैं समझा चुका हूं कि जब हम गुड्स बेचे तो हमें सेल्स का वर्ड यूज करना चाहिए, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अब कैश आया, कैश आया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट नेचर का होता है, इसलिए कैश को हम डेबिट करेंगे। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन से चल रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आइए जी हम इसकी एंट्री लिख दें, आइए जनवरी 5 की एंट्री लिख दें, और हम लास्ट में चेक करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था बेसिक लॉजिक से, उसकी एंट्रीज और इसकी एंट्रीज बिल्कुल सेम आने वाली है। हमने गुड्स बेच दी कैश में, कैश एसेट है, कैश आ रहा है, कैश डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट है डेबिट के नेचर का होता है, तो कैश जब बढ़ेगा तो मैं डेबिट करूंगा। गुड्स भी एसेट है, एसेट है, उनका भी डेबिट नेचर होता है, लेकिन ये गुड्स कम हो रही है इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूं। हटके एक बच्चे ने आज ही लेक्चर शुरू किया, वो कहता है ये मास्टर पागल है, हर थोड़ी देर में बोलता हटके। बेटे इसके लिए आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे कि मैं क्यों बोलता हूँ हटके। कितने की है जी? 5,000। बेटे मेरे सामने बुक है, मैं बुक से देख लेता हूँ, आप जरूर अपने सामने भी बुक रखिए जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, बीइंग सेल ऑफ गुड्स इन कैश। बेटे हमने कैश में बेची, पर्दा लगाइए और द एंड कीजिए। बेटे मैं 3 एंट्रीज कर चुका हूं एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। मैं आ गया जी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। बेटे हमने गुड्स दोबारा खरीदी, इवेंट हुआ परचेजेस का, इसलिए हमें इवेंट का नाम लिखना है, और हमने मोहन से खरीदी, लेकिन मोहन को अभी तो ठेंगा दिखाया कि मोहन अभी हम पैसे नहीं देंगे, हम तेरे को अभी प्रॉमिस दे रहे हैं, मोहन 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 तू हमारी क्रेडिटर बन जा।
बेटे जिससे हम सामान उधार में खरीदे वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है ना, तो बेटे मोहन हमारा क्रेडिटर बन गया, मोहन हमारा क्रेडिटर बन गया, मोहन से हमने उधार में सामान खरीदा है, कर्ज लिया है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। बेटे लायबिलिटी तीन तरह की होती है, एक लोन ले, एक उधार में सामान खरीदे और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो। तो बेटे हमने कर्ज लिया है तो चेक करो हमने क्या पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या लिखा है। आइए पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में देख लें उसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है। आओ बेटे आओ 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 बेटे, सोल्ड गुड्स तो हो गया बेटे, जनवरी 7 परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहनलाल ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज दिस। देखो जी मैंने क्या लिखी एक्सप्लेनेशन, पहले तो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन लिख दी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। फिर मैंने एसेट का नेचर मुझे पता था डेबिट बैलेंस का नेचर होता है, तो मैंने कहा गुड्स बढ़ रही है, गुड्स एसेट है, गुड्स बढ़ रही है और गुड्स का एसेट का डेबिट बैलेंस का नेचर होता है, इसलिए जब गुड्स बढ़ेंगी जब एसेट्स बढ़ेंगे तो हम डेबिट करेंगे लेकिन हम परचेजेस का नाम यूज करेंगे, और क्योंकि उधार में ले रहे हैं फ्री में तो मिल नहीं रही, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे हमारा कर्ज आएगा, हमारी लायबिलिटी आएगी और किसका नाम लिखेंगे, मोहनलाल का। देख लो बेटे क्रेडिटर मोहनलाल, सो क्रेडिट, तो बेटे मैंने लिखा परचेजेस टू बी डेबिटेड, मोहनलाल टू बी क्रेडिटेड। तो आइए जी जल्दी से हम उस परचेज बुक में, हम उस जनरल बुक में लिख दें जनवरी 7 परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, हटके फिर हटके हटके, बेटे क्रेडिट जब भी लिखते हैं हटके लिखते हैं और टू लगाते हैं, टू मोहन, हमने मोहनलाल की से कर्ज लिया कितने का बेटे, कितने का, 4,500 रुपए का। तो लिखें जी बीइंग परचेज, बेटे ग्रामर का इस्तेमाल ना करें, सेंटेंस इंग्लिश पूरी यूज ना करें, कीवर्ड को यूज करें, मोटी मोटी बात लिखें, टेंशन बिल्कुल ना लें। बीइंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन लाल, बेटे तीन एंट्रीज कर दी, बेटे नरेशन भी लिख दी, आराम से देख लो बेटे कोई जल्दी है ही नहीं यार, बेटे तीन एंट्रीज कर दी, नरेशन लिख दी, बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूं, लॉजिक साथ साथ बता रहा हूं, घबराना बिल्कुल है ही नहीं, जल्दबाजी मत करना, मेरे को मेरे हिसाब से कराने देना। सोल्ड गुड्स, बेटे जनवरी 12 में आ गया, सोल्ड गुड्स टू लाला जी, हमने गुड्स को बेचा उधार भी लाला जी को, 2000 की गुड्स थी, हमने लाला जी को, हम जानते थे लाला जी ने कहा हम पैसे बाद में देंगे, हमने कहा ठीक है आप गुड्स ले जाओ और मेरे मेरे को आप प्रॉमिस दे जाओ कि ये पैसे आप इतने दिनों के बाद दोगे, सिंपल है। देखिए जी हमने इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनाई है, बेटे बेटे क्योंकि ज्यादा स्लाइड्स हो गए हैं तो मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, आप टेंशन मत लेना, बड़ी मेहनत से किया बेटे, आप नोट करना बेटा, बेटे कमर सीधी, थप्पड़ मारूंगा जो झुक के बैठ गया या लेट के पड़ेगा। सोल्ड गुड्स टू लाला जी फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट। तो बेटे एसेट में देखो, एक तो एसेट गुड्स एसेट है, गुड्स कम हो रही है, गुड्स को क्रेडिट करेंगे, हम सेल्स का वर्ड यूज करेंगे, पैसे नहीं आ रहे, प्रॉमिस आ रहा है, तो लाला जी मेरे डेटर बन गए, डेटर को डेबिट करेंगे क्योंकि मेरा डेटर एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस नेचर होता है, तो मैं एंट्री करूंगा, पहले लिख लो डेटर को डेबिट, डेबिट डेटर इंक्रीज हो रहा है, लाला जी इंक्रीज हो रहे हैं, ₹2000 सो डेबिटेड, लाला जी विल बी डेबिटेड, गुड्स विल बी
लाला जी मुझे प्रॉमिस दे रहे हैं ना, लाला जी मेरे डेटर बन गए ना, डेटर बढ़ रहा है ना, डेटर एसेट है ना, एसेट का डेबिट बैलेंस ही नेचर होता है ना, जब एसेट बढ़ेंगे तो मैं डेबिट करूंगा ना, तो मैं लाला जी का नाम डेबिट कर रहा हूँ ना, गुड्स जा रही है ना, गुड्स एसेट है ना, गुड्स जब कम हो रही है तो मैं क्रेडिट करूंगा ना, क्योंकि गुड्स का भी तो नेचर डेबिट का होता है। अब अगर कोई एसेट कम हो रहा है तो मैं क्रेडिट ही तो करूंगा ना। तो लिखो ना बेटे, लिख दो बेटे। कहाँ बेटे? उसी में। आओ ना बेटे, आओ आओ मेरे बच्चे, आओ। जनवरी 12 बेटे, 12 तारीख आ गई, 1 तारीख से शुरू हुए थे, 31 तक पहुंचना है। माता रानी का भवन दिख रहा है, सांझी छत आ गई, जय माता दी बोल भक्ता, पोड़ी पोड़ी चढ़ता जा, भवन दिखेगा, पवन दिखेगा, पवन दिखेगा। जनवरी 12 आओ जी, लाला जी, लाला जी, हट टू सेल्स बी सेल ऑफ गुड्स टू लाला जी ओन क्रेडिट। आराम से बैठे पढ़दा द एंड, पढ़दा द एंड। और बेटे डेबिट बैलेंस देखिए, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। परचेज ऑफ गुड्स सोल्ड कितने के बेटे? 2000। डेबिट 2000 से, क्रेडिट भी 2000 से। मैंने पेन नीचे रख दिया, मेरे हाथ ऊपर है, आप आराम से देख लें कि क्या आपको अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड समझ आ रहा है। जनरल एंट्रेंस पास करने के लिए हम कुछ भी रट नहीं रहे, हम लॉजिक समझ रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन देख रहे हैं, फिर दिमाग लगा रहे हैं और एंट्री पास कर रहे हैं। बेटे 12 तारीख के बाद मैं अब आगे चलूंगा, मैं आ गया जी 16 तारीख, पेड वेजेस। बेटे हमने मजदूरी दे दी, हमने उनसे सर्विसेज ली थी, हमने मजदूरी दे दी। बेटे एक्चुअली में मजदूरी नहीं दी, कैश दिया है। जब हम वेजेस देते हैं, जब हम सैलरीज देते हैं, जब हम कमीशन देते हैं, तो कैश देते हैं। बेटे इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? मैंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो आइए एक बार देखें कि जब आपने वेजेस पे की तो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में कहां पे फर्क पड़ेगा। तो जल्दी बच्चे आ गए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। बेटे वेजेस छूट है, आपने कैश दिया है तो कैश एसेट है। जब आप कैश दोगे तो कैश कम हुआ, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश का डेबिट नेचर होता है क्योंकि वो एसेट है, लेकिन ये कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बेटे वेजेस तो एक्सपेंस है, आप मुझे बताइए बेटे रीजन क्या है। बेटे एक्सपेंस है तो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में समझाया था कि जो भी एक्सपेंस होता है या जो भी इनकम होती है उसको कैपिटल में ऐड या माइनस करते हैं। अगर एक्सपेंस है तो बेटे वो एक्सपेंस हम कैपिटल से लेस कर देंगे, और अगर इनकम है तो इनकम हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जनरल एंट्री पास करते समय हम जब भी कैपिटल में ऐड करेंगे या कैपिटल से लेस करेंगे, हम जनरल एंट्री पास करते समय उस रीजन को लिखेंगे, उस कारण को लिखेंगे। बेटे बेटे हमने वेजेस में कैश दिया और हमने इसको लेस करना है कैपिटल से क्योंकि एक्सपेंसेस है। बेटे हम क्या एंट्री पास करेंगे? रीजन को डेबिट करेंगे, हम उसका रीजन का नाम लिखेंगे। अगर एक्सपेंस हुआ तब भी रीजन का नाम लिखेंगे, इनकम हुई तब भी रीजन का नाम लिखेंगे। तो बेटे हम देखिए बड़ी प्यारी सी बात, मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन बड़े प्यार से बनाई है, पहले लिख लो फिर एंट्री पास करेंगे। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। बेटे कैपिटल कम हो रही है, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। कैश भी कम हो रहा है क्योंकि वेजेस थोड़ी दी है आपने, कैश दिया है, मजदूरी दी है मजदूर को, सर्विस दी है उससे। अब सर्विस लिए तो एसेट तो क्रिएट हो नहीं रहा, तो आपका नुकसान है, आपका एक्सपेंस है, कैपिटल से लेस करेंगे। लेकिन जनरल एंट्री को पास करते समय हम उस रीजन का नाम लिखेंगे, रीजन ऑफ डिक्रीज इन कैपिटल इज वेजेस, इसको मैंने हाईलाइट किया। रीजन ऑफ डिक्रीज इन कैपिटल इज वेजेस, रीजन ऑफ डिक्रीज इन कैपिटल इज वेजेस। सो वी विल राइट द नेम ऑफ द रीजन ड्यू टू विच
ये बात बड़ी प्यारी है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझदार हो गए ना तो लिख रहे हो आप साथ साथ। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद तो दोस्तों एक सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आने वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे आपसे। बेटे हमें उस रीजन का नाम लिखना, अगर बात कैपिटल तक पहुंच गई, मैं रिपीट करता हूं, अगर बात कैपिटल तक पहुंच गई, कैपिटल तक कब पहुंचेगी बेटे, जब एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या इनकम होगी तो कैपिटल में जाना पड़ेगा। तो हम कैपिटल की जगह उस रीजन का नाम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ वेजेस कैपिटल तक बात पहुंच गई तो बेटे मैं यहाँ लिखूंगा वेजेस, कैपिटल कम हो रही है ना, कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है ना, कम हो रही है तो डेबिट करेंगे ना, तो मैं लिखूंगा वेजेस डेबिटेड, वेजेस के अकाउंट को डेबिट टू टू हटके टू कैश। देखो जी पहले लिख लो वेजेस टू बी डेबिटेड, कैश टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि कैश को बता ही चुका हूं। तो LHS और RHS बराबर हो गई। आइए जी, एक बच्चे ने हिम्मत हार दी, सर हिम्मत हार दी, हाँ वो बच्चा लिख नहीं रहा, वो कहता है उसको समझ आ रही है, वो बेवकूफ है बेटा, साथ साथ लिखना जरूरी है। चलिए 12 तारीख के बाद मैं आ गया जी 16 तारीख की एंट्री करूं, जनवरी 16 हम वेजेस का नाम लिखेंगे, हम कैपिटल नहीं लिखेंगे। कैपिटल तक अगर बात पहुंच गई तो उस रीजन को लिखेंगे, जिस रीजन की वजह से कैपिटल बढ़ी या जिस रीजन की वजह से कैपिटल कम हुई। वेजेस डेबिट हटके टू कैश। आओ जी 4000 डेबिट और 4000 क्रेडिट। बी वेजेस पेड इन कैश, बी वेजेस पेड इन कैश, बेटे हमने वेजेस को कैश में दे दिया, आराम से कोई टेंशन ही नहीं है। बी वेजेस पेड इन कैश। चलो जी नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ, पेड सैलरीज 2500। बेटे अब तो समझ आई है, पेड सैलरीज 2500। बताओ जी सैलरी एक्सपेंस है, कैश जाएगा क्या करें। यहां देखो जी नीचे, अच्छा मैंने इसका नहीं लिखा एक्सप्लेनेशन, बहुत इजी है इसलिए नहीं लिखा। आप बताओ क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगी। सैलरीज दी है, सैलरीज सर्विस है, एक्चुअली में आपने कैश दिया है तो कैश कम होगा, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर का बैलेंस होता है, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, और सैलरी एक्सपेंस है, कैपिटल तक जाएगी। बात अगर कैपिटल तक पहुंच गई तो उस रीजन को लिखेंगे। तो देखते हैं जी जनवरी 17 सैलरीज, बेटे पूरी क्लास अटेंड करनी है, मैं फिर बता रहा हूं तभी बेनिफिट है, जब पूरा क्वेश्चन कर लेंगे ना, आने वाले क्वेश्चंस में बहुत कम समय लगेगा, यकीन से बता रहा हूं। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, बेटे 2500 रुपए का डेबिट भी कर दिया और 2500 रुपए से क्रेडिट भी कर दिया। बीइंग सैलरीज पेड इन कैश। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, आप नरेशन में ग्रामर और इंग्लिश का बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मैंने नरेशन अपने बुक में आंसर्स में लिख दी है और लास्ट क्लास में भी यही क्वेश्चन कराया था, उसमें पूरी समझाई है, बस बेटे मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आपको बेस मेन लॉजिक तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बताना है, तो आप समझ रहे ना मेरी बात। चलिए अच्छी बात, नेक्स्ट में आ जाइए। जनवरी 17 का काम हो गया, रिसीव्ड कमीशन 2000 बेटे जनवरी 22 बेटे कमीशन आई, कमीशन नहीं आ रही, कैश आ रहा है, कमीशन इनकम है, इनकम से कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन जब बात कैपिटल तक पहुंच जाएगी तो मैं कैपिटल को क्रेडिट या डेबिट नहीं करूंगा एंट्री में, मैं उसकी जगह कमीशन लिखूंगा। चलिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आपको एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। रिसीव कमीशन अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए बेटे, कैपिटल
plus liabilities is equal to assets. Capital plus liabilities is equal to assets. बेटे बेटे एक तो कैश बढ़ेगा जब हमें कमीशन मिलेगी तो हम डेबिट करेंगे और एक इनकम बढ़ रही है इनकम कैपिटल में ऐड होती है बात कैपिटल तक पहुंचेगी तो हम उस रीजन को लिखेंगे तो लिखिए इनकम कमीशन इज द रीजन सो कैश टू बी डेबिटेड कमीशन टू बी क्रेडिटेड चलते हैं जी उसी एंट्री की तरफ उसी जर्नल में और वहां पर हम अपनी बात रखते हैं जनवरी 17 के बाद आगे जी जनवरी 22 कैश तुम डेबिट हो जाओ टू कमीशन आप समझ रहे हैं ना मैंने कमीशन क्यों लिखा मैंने क्यों नहीं कैपिटल लिखा मैंने कहा जब बात कैपिटल तक पहुंच जाए तो आप उस रीजन को लिखना ना कि कैपिटल को तो चलिए जी रिसीव कमीशन 2000 रुपए और 2000 रुपए बस बेटे और कुछ नहीं बताना सब इसी को रिपीट करता रहूंगा बीन कमीशन रिसीव्ड बीन कमीशन रिसीव्ड 2000 रुपए की हमने कमीशन हमें मिली एंट्री पास कर दी हमारे 22 तारीख के बाद सीधा बेटे 25 तारीख में आ गए देखो जी गुड्स रिटर्न बाय लाला जी हमने लाला जी को सामान बेचा था 12 तारीख को चेक कर लो जी 12 जनवरी को हमने 2000 का सामान बेचा था लाला जी को उधार में बेचा था लाला जी मेरे डेटर हैं लाला जी को मैंने प्रॉमिस लिया था लेकिन 12 तारीख को जो बेचा था वो 25 तारीख को लाला जी आ गए और लाला जी कहने लगे ए रामलाल ये ले ले 1500 का सामान मैं वापस करने आया हूं तेरा सामान खराब है अब बेटे लेना तो पड़ेगा आपने तो उधार में बेचा हुआ मरता क्या ना करता बेटे 2000 रुपए लेने आपने 2000 रुपए लेने हैं अब आपको तो पैसे की जगह वो गुड्स दे रहा है आपने कहा ठीक है एंट्री पास करते हैं लाला अभी रुक हम जरा एंट्री पास करें और उसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि लाला क्या एंट्री पास कर रहा है आइए हमने लिखा गुड्स रिटर्न बाय लाला बेटे अब गुड्स जब आएंगी तो क्या क्या इंपैक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में बेटे गुड्स एसेट है बेटे एसेट बढ़ जाएगा क्योंकि लाला जी से गुड्स आ रही है तो एसेट बढ़ेगा गुड्स बढ़ेंगी लेकिन ये गुड्स आई क्यों क्योंकि आपने 12 तारीख को लाला जी को सेल की थी और वो क्रेडिट में बेची थी इसका मतलब ये गुड्स सेल्स रिटर्न है जो सेल की थी वो आई तो बेटे अब इसका नाम लिखेंगे सेल्स रिटर्न लिखेंगे ना तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे ना सेल्स लिखेंगे ना परचेजेस लिखेंगे बेटे हमने जो गुड्स बेची 12 तारीख को लाला जी को उधार में उसमें से उन्होंने वापस की तो इन गुड्स का नाम होगा बेटे बेनाम नहीं है इन गुड्स का नाम है सेल्स रिटर्न गुड्स दूसरा जो लाला जी ने मुझे पैसे देने थे लाला जी मेरे डेटर हैं अब लाला जी से 2000 रुपए लेने थे लाला जी ने 1500 रुपए वापस कर दिए तो बेटे अब लाला जी से 1500 थोड़ी लेने अब तो लाला जी से कम लेने 2000 थोड़ी लेने लाला जी से 500 रुपए लेने क्यों क्योंकि 2000 में तो 1500 गुड्स उन्होंने वापस ही कर दी तो बेटे जो लाला जी का हमने डेटर बनाया हुआ था बेटे मेरा आज डेटर कम हो गया ना बेटे जब डेटर कम होगा मेरा एसेट कम होगा जिनका डेबिट नेचर है तो मुझे आज क्रेडिट करना पड़ेगा ना तो देखो बेटे मैंने क्या लिखा है इंपैक्ट 1 स्टॉक ऑफ गुड्स विल इंक्रीज इंपैक्ट 2 लाला जी बैलेंस विल डिक्रीज बड़ा प्यारी सी बात लिखी है जी स्टॉक ऑफ गुड्स विल इंक्रीज लाला जी बैलेंस विल डिक्रीज ठीक है जी तो चेक करिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स में लिखा मैंने सेल रिटर्न ऑफ गुड्स विल इंक्रीज लाला जी डेटर विल डिक्रीज तो क्या एंट्री बार करेंगे सेल्स रिटर्न गुड्स डेबिटेड टू लाला जी चलिए जी एंट्री पास कर दें
फिर हम लास्ट एंट्री बेटे अब तो खत्म ही होने वाला काम। एक बच्चे ने हिम्मत हार दी, नहीं बेटे हिम्मत नहीं हारनी, देखो ये गलत बात है बेटे, आप हिम्मत हारोगे तो बेटे मेरा क्या हुआ ये, देखो आप ऐसी बातें मत करना, हिम्मत हिम्मत नहीं हारनी बेटे। अब तो दो एंट्रीज रह गई यार, देखो लिखो 25 तारीख आ गई 25 सेल रिटर्न, इसका मतलब जो हमने सेल की थी उसमें से रिटर्न आया, अकाउंट डेबिट टू लाला जी 1500 रुपए की। तो लिखो जी बीन गुड्स रिटर्न्ड बाय लाला जी, पर्दा लगाओ द एंड। बेटे एक दो एंट्री रह गई है, एक 28 तारीख की करनी है, रिटर्न गुड्स टू मोहनलाल। अब हमने मोहनलाल से गुड्स खरीदी थी, देखो 28 तारीख की एंट्री, रिटर्न गुड्स टू मोहनलाल। आप चेक करो हमने मोहनलाल से गुड्स कितनी खरीदी थी, ये 4500 रुपए की, ये कौन सी तारीख को खरीदी थी, 7 तारीख को खरीदी थी, हमने उसमें उधार भी खरीदी थी, हमें 4500 देने हैं, हमारे वो क्रेडिटर हैं, लेकिन हमने क्या किया 1000 रुपए की गुड्स, 1000 रुपए की गुड्स उसको वापस कर दी, हमने कहा डिफेक्टिव है ले जा मोहनलाल। बेटे गुड्स जा रही है, हमने जो खरीदी थी वो हम दे रहे हैं, गुड्स कम हो रही है तो गुड्स का बैलेंस कम हो रहा है, गुड्स एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर का बैलेंस होता है, तो मैं क्या करूंगा गुड्स को क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन गुड्स का नाम तो कभी यूज ही नहीं करते बेटे, उसके पीछे इवेंट लिखेंगे। इवेंट क्या है, जो गुड्स मैंने परचेज की थी उनको रिटर्न कर रहा हूं, तो बेटे इवेंट हुआ परचेज रिटर्न। अब जो पैसे मैंने 4500 देने थे वो मेरे क्रेडिटर में आ रहे हैं, मोहनलाल को मैंने उस समय क्रेडिट किया था क्योंकि वो मेरा लायबिलिटी बन गई थी, आज 1000 रुपए से उसकी एंट्री पास करूंगा ना, क्यों, क्योंकि मोहनलाल क्रेडिटर है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट बैलेंस का होता है, जब लायबिलिटी कम हो जाए तो बेटे हमें लायबिलिटी को डेबिट करना चाहिए, तो एंट्री क्या करेंगे मोहनलाल टू परचेज रिटर्न। आओ जी सीधा लिखते हैं, मोहन लाल जनवरी 28 मैंने लिख दिया जी मोहनलाल अकाउंट डेबिट हटके टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न बेटे 1000 रुपए की है, 1000 और बेटा बी रिटर्न ऑफ गुड्स टू मोहनलाल। एक बच्चा कह रहा है ये आंसर तो मास्टर ने दिया ही हुआ है किताब में, फिर क्यों लिखे, और पिछली बार भी यही क्वेश्चन कराया था वो दूसरे मेथड से, वो बच्चे बेटे वो बच्चा पागल आ रहा, आप उसकी बातों में था ना, आप लिखो आप समझदार हो मुझे पता है, चैप्टर क्लोज करो उसको। दो एंट्रियां रह गई हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम लाला जी। देखो जी हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिख रहे हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, कैश एसेट है, लाला जी मेरे डेटर है वो भी एसेट है, कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है 1200 रुपए से, तो कैश बढ़ रहा है 1200 से तो हम तो डेबिट करेंगे क्यों, क्योंकि एसेट का डेबिट नेचर होता है, अब अगर एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, लाला जी भी एसेट है क्योंकि ये डेटर है, लाला जी का बैलेंस अब कम होगा, डेटर कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए, तो हम लाला जी को क्रेडिट करेंगे जबकि दोनों एसेट्स हैं,
बेटे नेचर पता हो तो बड़ी से बड़ी एंट्री कर डालो आप। आओ आओ बेटे भूपेश आनंद, भूपेश आनंद इसी को कहते हैं जो लॉजिक बताता है। आओ जी जनवरी 30 कैश तुम आ जाओ, तुम एसेट हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश बढ़ रहा है, टू लाला जी डेटर है, बेटे एसेट बढ़ भी रहा है, एसेट कम भी हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करेगी कितने का बेटे 1200 रुपए। लो जी लो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम लाला जी, बेटे कारण लिखना है कि इस एंट्री में क्या हुआ, बस की बस चैप्टर क्लोज करना है, चैप्टर क्लोज नहीं क्वेश्चन क्लोज, इसको ब्रैकेट लगाओ और इसको ज्वाइंट करो, लास्ट एंट्री करने जा रहे हैं भाई और बहनों, हिम्मत है आपकी बैठे रहे, लास्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर फ्रॉम लाली, बेटा लाली कोई और है, लाला जी मत लिखना, लाली है, आपने लाली 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 जी से फर्नीचर खरीदा 5000 रुपए का। अब बेटे यहां पे ये क्लियर नहीं है कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, मैंने आपको आज लेक्चर में बताया था कि जब भी क्रेडिट में होता है, जब कैश नहीं दिया होता और उसका नाम दिया होता है जिससे हमने खरीदा, तो बेटे हमें मानना पड़ेगा कि हमने उधार में खरीदा। लाली जी कौन है, लाली जी से हमने उधार में खरीदा। फर्नीचर क्या है बेटे, नॉन गुड, दैट गुड विच इज नॉट परचेज फॉर सेल, तो विच इज नॉट इन गुड्स इन नेचर, तो इसमें हम परचेजेस और सेल्स नहीं लिखेंगे, परचेजेस सेल्स नहीं लिखेंगे, हम फर्नीचर का नाम लिखेंगे। बेटे मेरा गला दर्द हो गया बताते बताते, गुड्स दो तरह की होती है, इन द नेचर ऑफ गुड्स, नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स, नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स जैसे फर्नीचर, तो बेटे फर्नीचर जो नॉन गुड्स नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स है, फर्नीचर का नाम ही लिखेंगे। और लाली जी से हमने उधार में खरीदा है, लाली जी हमारी क्रेडिटर बन गई, हमने उनको पैसे देने हैं, तो लिखो बेटे एंट्री लिखो लिखो लो बेटे लिखो, हम आ गए 31 तारीख जनवरी 31, फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, उधार में खरीदा है, फ्री में तो नहीं खरीदा, लाली जी को पैसे देने पड़ेंगे, लाली जी हमारी क्रेडिटर हो गई, लाली 5000 रुपए, बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर ओन क्रेडिट, क्रेडिट में हमने फर्नीचर को खरीदा। आराम से बेटे, बेटे मैंने 31 तारीख तक एंट्रीज कर डाली, एक बच्चे ने ठंडी सांस ली कि क्वेश्चन खत्म। बेटे एक्चुअली में इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की, अब आने वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको मजाक लगेंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ। तो बेटे मैं आपको दो मेथड्स बता चुका हूँ, एक मेरा अपना लेन देन का और एक अमेरिका का, उम्मीद है बेटे आपको लॉजिक समझ आए होंगे, हम आगे फिर मिलेंगे लेक्चर 6 में, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में कराया बेटे 2.5-3 घंटे लग गए, इस क्वेश्चन को ही आप मेरे वाले मेथड से तो कर चुके होंगे बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन के मेथड से आज जाकर फिर करना है, हर ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और जो नेचर बताया उसके हिसाब से खुद बिना देखे पास एंट्रीज करनी है, तब जाकर पक्का होगा।